बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूँ। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसीज आई हैं। तीन बड़े एडवर्टाइजमेंट हैं, तीनों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टोरेट में दोस्तों वैकेंसीज आई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, किस पोस्ट पे है, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसीज या इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये वैकेंसी है। डिपार्टमेंट है एनर्जी का, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टोरेट सखा रीजन की ये वैकेंसी है। सबसे पहले इसमें पोस्ट है दोस्तों ड्राइवर की, चौथे स्किल की ये जॉब है। टोटल इसकी दो वैकेंसीज हैं। तालीमी काबिलियत प्राइमरी बेस पे है। साथ दोस्तों एलटीवी या एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है। दूसरे नंबर पर दोस्तों डिस्पैच राइडर, तीसरे स्किल की ये जॉब है। साथ दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल को जानता हो। 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है। नेक्स्ट पोस्ट है नायब कासद। टोटल इसकी चार वैकेंसीज हैं। प्राइमरी बेस पे है, 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है। चौकीदार प्राइमरी बेस पे दोस्तों एज की लिमिट सेम है। सैनिटरी वर्कर, टोटल इसकी तीन वैकेंसीज हैं, प्राइमरी बेस पे है, 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है। नेक्स्ट है दोस्तों सब्सिडी सेल मेन ऑफिसर सखर, इसमें ड्राइवर की पोस्ट है दोस्तों प्राइमरी बेस पे है। साथ एलटीवी या एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज की लिमिट सेम है 18 से 28 साल तक। लास्ट पे दोस्तों डिस्पैच राइडर, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को जानता हो। 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है। दोस्तों, आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये साथ ही दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स जिसमें तालीमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, पीआरसी और एक्सपीरियंस लेटर लगा के और दो पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा के आप लोगों ने बाय पोस्ट पहुंचानी है। बाय हैंड एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों ने एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध सखर रीजन, सखर इरिगेशन कॉलोनी मिलिट्री रोड सखर, इस एड्रेस पे आप लोगों ने बाय पोस्ट पहुंचानी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2020 है। नामुकम्मल और ताखीर से पहुँचेंगे दरखास्तों को जेरे गौर नहीं लाया जाएगा। गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने इदारे के थ्रू अप्लाई करें। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, 30 सितंबर तक आप लोग इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर कराची रीजन 1 की ये वैकेंसीज हैं। इसमें ड्राइवर की पोस्ट है, तीसरे स्किल की जॉब है। टोटल इसकी चार वैकेंसीज हैं। मिडिल बेस पे सार ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कराची का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2020 है। नेक्स्ट पोस्ट है नायब कासद की। टोटल इसकी तीन वैकेंसीज हैं, मिडिल बेस पे है। नेक्स्ट पोस्ट है चौकीदार, मिडिल बेस पे है। सेकंड लास्ट पर दोस्तों हेल्पर, तीसरे स्किल की है। टोटल इसकी तीन वैकेंसीज हैं, मिडिल बेस पे है। लास्ट पर दोस्तों सैनिटरी वर्कर, 18 से 28 साल तक की एज के मेरे कराची का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख इन सब में दोस्तों 15 सितंबर 2020 है। अप्लाई करने का दोस्तों तरीकाकार सेम है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर, डोमिसाइल, पीआरसी, तालीमी इस्नाद की कॉपी, दो पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा के आप लोगों ने बाय पोस्ट पहुँचानी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2020 है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टोरेट हैदराबाद रीजन की ये वैकेंसीज हैं। इसमें पोस्ट है नायब कासद की, मिडिल बेस पे है। चौकीदार की, मिडिल बेस पे है। डिस्पैच राइडर की, मिडिल बेस पे है। और लास्ट पे दोस्तों सैनिटरी वर्कर की। नॉन मुस्लिम के लिए दोस्तों दो वैकेंसीज हैं। हैदराबाद का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद, बदीन, जामशेरो, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अल्लायार, ठट्ठा और जावल के डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम वैकेंसी में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2020 है। अप्लाई करने का दोस्तों तरीकाकार सेम है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टोरेट मीरपुर खास रीजन की ये वैकेंसीज हैं। इसमें पोस्ट है चौकीदार की। टोटल इसकी दो वैकेंसीज हैं, मिडल बेस पे हैं। 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है।
सैनिटरी वर्कर। दोस्तों मीरपुर खास, थर, मिठी, मिठारी, शंगार, उमरकोट और नवाबशाह का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल तक की एज की लिमिट है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 25 सितंबर 2020 है। इन तमाम कैंसिल में दोस्तों अप्लाई करने का दोस्तों तरीकाकार सेम है। आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तहसील डॉक्यूमेंट जिसमें तालीमी सनाद, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, PRC, एक्सपीरियंस लेटर्स और दो पासपोर्ट साइज तस्वीर लगा के आप लोगों ने बाई पोस्ट पहुँचानी है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2020 है। नाम कमल और ताखिर से पहुंचे दरखास्त को जेरे गौर नहीं लाया जाएगा। दोस्तों टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवार को ट्रैवल अलाउंस डी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये वैकेंसीज आई हैं। पूरे सिंध से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश आए तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।